गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को नमस्कार। द लर्निंग थ्रू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं सजीव वस्तुएं क्या होती हैं। सजीव उन वस्तुओं को कहते हैं जिनमें श्वसन क्रिया और वृद्धि होती है, अर्थात जो भी सांस लेता है और जिसकी भी वृद्धि होती है वह सजीव कहलाता है, जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य आदि। सजीव के उदाहरण अगर स्क्रीन पर देखें तो कुछ सजीव के उदाहरण दिए गए हैं, इसमें जानवर, पशु, पक्षी और इंसान आते हैं। उदाहरण के लिए शेर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, पेड़ पौधे, यह सब सजीव के उदाहरण रहेंगे। सजीव के उदाहरण के बाद अब हम आते हैं सजीव के लक्षण पर। सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है गति। सजीव अपनी आवश्यकता अनुसार गति अथवा प्रचलन कर सकते हैं, अर्थात जो भी सजीव है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। पौधों में यह गुण अपवाद होता है। दूसरा है वृद्धि, विकास एवं श्वसन। सजीवों में वृद्धि और विकास होता है और सभी सजीव सांस लेते हैं। वृद्धि और विकास क्या होता है, सजीव में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है जिससे शरीर में वृद्धि होती है। अब वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, भ्रूणावस्था की वृद्धि जो होती है उसको हम विकास करते हैं। और श्वसन पे अब आते हैं, जितने भी सजीव हैं वो चाहे पेड़ पौधे हो, जानवर हो, मनुष्य हो, वह सांस लेते हैं। सजीवों का जो अगला लक्षण है वह है प्रजनन। तो सबसे पहले जानते हैं प्रजनन क्या होता है। प्रजनन होता है अपने जैसे जीव को पैदा करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपने बीज से अपने जैसे पेड़ पौधे पैदा करते हैं, पशु पक्षी है उनके अंडे से उसी प्रकार के पशु पक्षी निकलते हैं। यह किस लिए होता है, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन होता है। चौथा गुण है संवेदनशीलता का। समस्त सजीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, अर्थात वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहते हैं। ठंड होगी तो उन्हें ठंड लगेगी, गर्मी का मौसम आएगा तो उन्हें गर्मी लगेगी। इस गुण को हम संवेदनशीलता का गुण कहते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उनका जो सजीवों का लक्षण है वह है जीवन मृत्यु, अर्थात समस्त सजीव पेड़ पौधे हो, जानवर हो, मनुष्य हो, उनका एक निश्चित जीवन काल होता है। एक निश्चित समय के बाद उस सजीव की मृत्यु हो जाती है। सजीव वस्तुओं के बाद अब हम समझेंगे निर्जीव वस्तुओं के बारे में। तो निर्जीव वस्तुएं किन्हें कहते हैं, निर्जीव उन वस्तुओं को कहते हैं जिनमें श्वसन, वृद्धि, स्वयं से गति नहीं होती है, जैसे कुर्सी, मेज, बाल्टी आदि। जो भी निर्जीव है ना तो वह सांस लेगा, ना तो उसमें वृद्धि होगा और ना ही उसमें खुद से कोई गति होगी। स्क्रीन पर कुछ निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे साइकिल हो गया, मेज हो गया, घंटी हो गया, त्रिशूल हो गया, बाल्टी हो गया, ब्लू बोर्ड हो गया, यह सब निर्जीव के उदाहरण है।